उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि भव्य पिता अजीत जैन बड़नगर के साथ हुई चेन की लूट की वारदात के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी बड़नगर मनीष मिश्र के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने कार्यवाही करते हुए चेन लूट की घटना के सभी सीसीटीवी फुटेज एकत्रित कर विवेचना प्रारंभ की। घटना के आसपास पूछताछ करने पर आरोपी की पहचान स्थापित की गई, जिसके आधार पर तलाश शुरू की गई है। तकनीकी आधार पर साइबर सेल की टीम ने उज्जैन नानाकेड़ा थाना और नीलगंगा थाने की टीम द्वारा आरोपी को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने कुल 11 वारदातें कबूल की। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने इंदौर के 2 सोना चांदी के व्यवसाय से 6 चेन बरामद की, वहीं 4 चेन आरोपी के घर से बरामद की। बताया जाता है कि आरोपी वर्ष 2015 से लगातार इंदौर से जाकर बड़नगर क्षेत्र में वारदात को अंजाम देकर निकल जाता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी। उज्जैन जिले में बीते 2 सालों में एक चेन की स्नैचिंग की कुछ भी वारदातें हुई थी, जिसमें एक लोन ऑपरेटर, एक अकेला व्यक्ति मोटरसाइकिल से, सामान्य तौर पर इसके संदर्भ में ये जानकारी हमेशा आती रही कि शाइन या प्लेटिना गाड़ी का उपयोग करते हुए वारदात कर रहे हैं। उस पर जो हमारा एनालिसिस हुआ और जो हमारी घटनाएँ पहुँची हुई थी, उस पर हमने जब अपनी टेक्निकल टीम, जो हमारे DSP क्राइम विनोद मीणा साहब हैं, इनकी टीम ने जब काम करना शुरू किया, ऐसे टेक्निकल एनालिसिस के बाद हमने एक आरोपी जो इंदौर जिले का है उसको जीरो डाउन किया और उससे जब पूछताछ की, तो पूछताछ पे उसने पिछले लगभग 2015 से लेकर अभी तक 2022 तक कुछ वारदातों को स्वीकार किया है। इसमें अभी तक हम लोगों ने थाना बड़नगर की 6 वारदात, थाना नीलगंगा की 3 वारदात, 1 वारदात थाना माधवनगर, 1 नीलगंगा की, इस तरह से 11 वारदातों का सामान रिकवर किया है। हमारी अभी उससे पूछताछ चल रही है, पुलिस रिमांड पर देंगे। हमें उम्मीद है कि और भी घटनाक्रम के सफल से होंगे। कितनी कीमत का सामान हुआ लगभग? ये कीमत लगभग 13 लाख के आसपास का सामान अभी आपके सामने रखा गया है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।